खबर शिवपुरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार से आ रही है, जहां आज एक दुकान पर पायल खरीदने गई एक महिला का दुकानदार ने वीडियो बना लिया। इस मामले की शिकायत महिला ने कोतवाली में की, जहां कोतवाली आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। जानकारी के अनुसार आज कोतवाली पहुंची एक महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि वह आज दोपहर लगभग 2:30 बजे सराफा बाजार में गोयल ज्वेलर्स पर पायल खरीदने गई थी। महिला का आरोप है कि जैसे ही वह दुकान में गई तो दुकान के संचालक रितेश गोयल ने काउंटर के नीचे अपना मोबाइल का वीडियो चालू कर रखा दिया, जिससे महिला के अंतरंग वस्त्रों का वीडियो बन गया। महिला को जैसी इस बात की भनक लगी, महिला ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके चलते महिला ने जब विरोध किया तो सराफा व्यापारी एकजुट होकर महिला को ही गलत ठहराने लगे। बताया गया है कि सराफा व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला को ही गलत ठहरा दिया, जिसके चलते महिला ने पुलिस की शरण ली और कोतवाली पहुंची, जहां पुलिस महिला के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। बताया गया है कि आरोपी के मोबाइल में महिला की वीडियो भी पुलिस को मिली है। इस मामले में आरोपी ने सफाई दी कि उसका मोबाइल खराब हो गया है और वह बार बार हैंग हो जाता है, यह वीडियो इसी के चलते बन गई है। आरोपी सराफा व्यापारी ने कोतवाली में भी महिला से कई बार माफी मांगी, लेकिन बात नहीं बनी और महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। मुनु नामदेव, शिवपुरी। सर अभी एक मामला सामने आया था जिसमें महिला की वीडियो बनाई थी, सर क्या कुछ पूरा मामला था? और कोई एक महिला जो पीड़िता थी वो गोयल ज्वेलर्स पे कुछ खरीदारी करने गई थी, उसी समय वो दुकानदार द्वारा उसका एक वीडियो बनाया गया जो महिला ने देख लिया, तो वो थाने पे आके उसने रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट पे से हमने धारा 354 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। जैसे ये मामला सामने आया है, क्या इससे पहले भी उसके अभी जो रिपोर्ट आई है उस पर कार्रवाई की है और जो उसका मोबाइल है उस पर जांच करेंगे और आगे जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई करेंगे।